कोई आपत्ति बदायूं की बिलसी विधानसभा को लेकर है, और पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि मीडिया में लिखने से पहले जरूर अपने आप को करेक्ट करें, अगर मेरी बात सच हो तो आगे बढ़ाएं, नहीं तो कोई बात नहीं। जो मुझे रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया था बिलसी विधानसभा का वोटिंग के बाद ईवीएम के जमा होने के बाद वो कराया गया था 188-248 मैं कर रहा हूँ 188-248 का हमें रिकॉर्ड दिया गया था कि बिलसी विधानसभा वोट पड़े हुआ है, और पांचों में सबसे कम बिलसी में ही वोट पड़े भी थे, जो रिकॉर्ड मेरे पास था, शायद आप लोगों के पास भी होगा, चेक जरूर करिए। और जो काउंटिंग की सीट आई है लास्ट राउंड की, उस सीट में 196,110 काउंट किए गए, जो लास्ट सीट है जिसकी आपत्ति मैं जिलाधिकारी महोदय को लिख के आया हूँ, 8,000 वोट, लगभग 8,000 वोट अधिक गिने गए हैं बिलसी विधानसभा में, जो हम लोगों को प्रत्याशी के तौर पे सूचना मिली थी उससे ज्यादा। अब बिलसी में ही क्यों ज्यादा गिने गए, सहसवान में क्यों नहीं संभव हुआ, ये सहसवान में हम जीत रहे थे, हो सकता है इसलिए ना हुआ हो, और जगह हम कम से हार रहे थे शायद इसलिए ना हुआ हो, बिलसी में हमें ज्यादा से हराना था। तो 8,000 वोटों का अंतर है बिटवीन ईवीएम जमा होने के बाद जो फॉर्म हम लोगों को मिलता है नंबर मतदान के बाद, वो आप लोगों पे भी उपलब्ध होगा, रिकॉर्ड चेक करना, और अगर ये रिकॉर्ड आप सही लगे तो इस बात को जरूर आगे रखना। मैं जिलाधिकारी महोदय से कह के आया हूँ कि इसका स्पष्टीकरण भी दे और इसको क्लियर करें। 188-248 का रिकॉर्ड दिया गया और 196 काउंट किया गया, लगभग 8,000 अधिक वोट काउंट हुआ है बिलसी विधानसभा में, जिसकी हम लिखित आपत्ति देखे आए, और हम उम्मीद करते हैं शायद जिलाधिकारी महोदय समाधान करेंगे, और नहीं करेंगे तो जो हमारे पास अपने तरीके होंगे कानूनी रास्ते। इसके अलावा और कहीं भी इस प्रकार की शिकायतें तो बहुत हैं, अब उन शिकायतों पर हम अभी जाएंगे तो लोग कहेंगे आप चुनाव नहीं जीते इसलिए शिकायतें कर रहे हो, जैसे हम लोग बहुत ऑथेंटिक बात करने वाले लोग हैं। शिकायतें तो ये भी है कि जो एग्जिट पोल में आता उतने ही क्यों आ रही है, देश में रिजल्ट वही क्यों आ रहा है, शिकायतें तो यहाँ तक जो बीजेपी के लोग घोषणा करते घूम रहे थे इतनी लीड होगी उतनी लीड क्यों हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बातें हैं, इस पर हमारे बड़े लोग बात करेंगे, बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी सीनियर लोग बात करेंगे, लेकिन चूंकि बधाई के मामला में ये लिखित तौर पर ये शिकायत आपके सामने दे रहा है, और इसके माध्यम से मैं समझता हूँ आप लोग इसकी समीक्षा करोगे और बेहतर पाओगे, और जहाँ तक मैं इस मौके पर बधाई की पूरी जनता का, अपने सपा बसपा लोक दल के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ और बहुत प्रशासन और सरकार से लड़के बहुत हिम्मत से चुनाव लड़ा, और उस साथियों के मान के लिए, सम्मान के लिए, बधाई की जनता की तरक्की के लिए जो भी मुझे करने की आवश्यकता होगी वो मैं आगे समय में। सांसद जी अगर इस शिकायत पर आपकी संज्ञान नहीं लिया जाता है तो क्या कोर्ट का रास्ता भी चुनेंगे आप? तो मैंने कहा आपसे कि कानूनी रास्ते हम दे रहे हैं, अब हम बाहर निकले हैं। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिसके लिए आप हमारे voice85.contact@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। JB